विश्व मधुमक्खी दिवस पर कुरुक्षेत्र में स्थित देश के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने उद्घाटन किया। मधुमक्खी पालन व परागण विषय पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में इजरायली अधिकारियों के अलावा करीब 20 राज्यों के बागवानी अधिकारी शामिल हुए। हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने और कम खेती वाले किसानों को मधुमक्खी पालन का व्यापार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित इस केंद्र में देश की पहली शहद मंडी स्थापित की जाएगी। वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में वो अपने अपने अनुभव, नई टेक्नोलॉजी, नई खोज और किस तरह से किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए, बी कीपिंग के व्यवसाय में क्या सुधार किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि यह हमारे यहाँ पर यह आयोजन हुआ है और इसमें हमारे इजराइल के एक्सपर्ट हैं मधुमक्खी पालन के, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारी जो एम्बेसी की पॉलिटिकल अफेयर एडवाइज़र हैं, कृषि के एडवाइज़र हैं इजराइल के एम्बेसी से, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल दूतावास की राजनीतिक सलाहकार ने कहा कि यह केंद्र हरियाणा और इसराइल के आपसी सहयोग से स्थापित किया गया है। कर्नाटक के कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि हम हरियाणा द्वारा लागू की गई कृषि योजनाओं की जानकारी लेकर इन्हें अपने प्रदेश में लागू करेंगे। Between Israel and Haryana, we have the Indo-Israel Agricultural Project, which at the moment have 4 centers of excellence. It's one of our best projects in India, actually. We are because our main to North Karnataka, Belgaum, a district. There is also Western Ghat. In Western Ghat, we are going to build a center. हनी बी का सेंटर बना लाए, उधर फार्मर को 20 बॉक्सेस भी दे के उसको प्रोत्साहन दे।